इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेसलिंग के फाइनल मुकाबले में आज रूसी पहलवान से भिड़ेंगे रवि दहिया। 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल पहले ही हो चुका है पक्का। जीत के बाद रवि दहिया के घर में जश्न का माहौल। पिता ने कहा, मेरा बेटा जरूर लाएगा गोल्ड मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान के रवि दहिया को दांत काटने पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जताई नाराजगी। रवि दहिया की तारीफ की, कहा अपना सीना चौड़ा कर दिया। रेसलर दीपक पुनिया भी आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ेंगे। दोपहर 2:45 पर होगा मुकाबला। कुश्ती के 53 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल में आज विनेश फोगाट दिखाएंगी दम। 57 किलोग्राम की स्टाइल फ्री स्टाइल में अंशु मलिक का भी होगा मुकाबला। ओलंपिक के पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला जर्मनी से होगी भिड़ंत। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत की हार, अर्जेंटीना ने 2-1 से हराया। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगा भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला। 6 अगस्त को ब्रिटेन से होगा मैच। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए पीएम मोदी का ट्वीट, कहा खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, आने वाले खेल के लिए शुभकामना। ओलंपिक के 69 किलोग्राम बॉक्सिंग मुकाबले में लवलीना ने भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन से हारी। ब्रॉन्ज जीतने के बाद बोली लवलीना, मेरा मेडल देश के नाम, प्रार्थनाओं के लिए लोगों का शुक्रिया। कोच के साथ हैदराबाद अपने घर पहुंची पीवी सिंधु, दोनों की उतारी गई आरती। केटी इरफान, राहुल रोहिल्ला और संदीप कुमार 20 किलोमीटर पैदल चले चाल इवेंट में आजमाएंगे किस्मत। दोपहर 1 बजे होगा इवेंट। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस फेडरेशन का कारण बताओ नोटिस। ओलंपिक में नेशनल कोच की मदद नहीं लेने पर 10 दिन में देना होगा जवाब। पीएम मोदी आज अयोध्या में होने वाली राशन योजना कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस के तौर पर मना रही उत्तर प्रदेश सरकार। पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार आज रिकॉर्ड 80 लाख लोगों में बांटेगी मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलेगा लाभ। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी, विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। आज राम मंदिर शिला पूजन के 1 साल पूरा हो रहे। साल 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे लोग। 2025 में पूरा होगा परिसर का काम, सूत्रों के हवाले से खबर। पेगासस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 9 याचिकाओं में की गई है कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। संसद में आज भी हंगामे के आसार। पेगासस और कृषि कानून पर चर्चा की मांग कर सकता है विपक्ष। राज्यसभा के चेंबर गेट तोड़े जाने के मामले में आज कार्यवाही पर फैसला ले सकते हैं चेयरमैन। टीएमसी के सांसदों पर है आरोप। राज्यसभा में सस्पेंड होने वाले सांसद सदन में प्रवेश करने की कर रहे थे कोशिश। तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों को 1 दिन के लिए किया गया था सस्पेंड। टीएमसी सांसदों के निलंबन पर बोले अभिषेक बैनर्जी, ये साबित हो गया कि पीएम मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हंगामा करने वाले सांसदों से अपील, संसद की मर्यादा और आसन के अपमान की कोशिश ना करें। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, संसद में हम पहले पेगासस पर चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली में आज पार्लियामेंट घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। बेरोजगारी और कृषि कानूनों के विरोध में होगा प्रदर्शन। कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी, इसी सत्र में बिल पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार। राहुल के दिल्ली रेप पीड़ित परिवार के साथ फोटो ट्वीट करने पर विवाद, राहुल ने बुधवार को परिवार से की थी मुलाकात। एनसीपीसीआर ने ट्विटर इंडिया को भेजा नोटिस, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा दिल्ली रेप मर्डर केस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिए निर्देश। दिल्ली में नाबालिग से रेप के विरोध में यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार और बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ पूरे राज्य में आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा। लखनऊ में अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस से साइकिल पर निकलेंगे। नए कृषि कानून को लेकर पंजाब के सीएम से मिले पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कानून खारिज करने को कहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, राज्य का विषय है कृषि, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। बुलंदशहर से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की बाइक रैली गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना। नए कृषि कानून के विरोध में एक बार फिर से हुंकार भरेंगे किसान। ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से मतभेद की खबरों का किया खंडन, का भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है ओवैसी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, उत्तराखंड विधानसभा में जीतने की काबिलियत और भरोसेमंद लोगों को दिया जाएगा टिकट। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल, रीता ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे बीजेपी से करे बाहर।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने के 2 साल पूरे होने पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला और अनंतनाग का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अनुच्छेद 370 हटने को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, का फैसले से काफी निराश था लेकिन नेता के तौर पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता था खामोश। 9 अगस्त को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, परमबीर सिंह और अन्य पर फिरौती मांगने का है आरोप। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए नियुक्त जस्टिस चांदीवाल, आयोग के खिलाफ याचिका। केरल आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 जम्मू कश्मीर और 2 कर्नाटक से पकड़े गए। धनबाद जज हत्या मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, सीबीआई ने शुरू की जांच। पॉर्न फिल्म मामले में राजू कुंद्रा की जमानत अर्जी पर सत्र न्यायालय में आज होगी सुनवाई, मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना सभी स्पेशल कमिश्नर के साथ अहम बैठक की, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले पुलिस पर्सनल की ड्यूटी को लेकर की बैठक। आज 2 दिन के ईरान दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अगले 2 साल तक जारी रहेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, कैबिनेट ने प्रोस्को एक्ट भी जारी रखने का लिया फैसला। मार्च 2026 तक लागू रहेगी समग्र शिक्षा योजना, सभी वर्गों तक समान रूप से शिक्षा पहुंचाना उद्देश्य। सरकारी स्कूलों में भी खोले जाएंगे प्ले स्कूल, वोकेशनल स्किल्स पर दिया जाएगा जोर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का बढ़ाया गया दायरा, पिछड़े इलाकों में 12वीं तक किया जाएगा स्कूल। देश भर के निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ केस निलंबित हैं, कानून मंत्री ने जानकारी। रेलवे ने कॉस्ट वजहों से छोड़ा ट्रेन में वाईफाई लगाने का प्रोजेक्ट, रेल मंत्री ने दी जानकारी। देश में पिछले 5 साल में रेप के 1,71,000 केस हुए दर्ज, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में दर्ज हुए केस। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में 400 एनकाउंटर में 630 आतंकी ढेर, 85 सुरक्षा बलों की हुई मौत। अमेरिकी आर्मी चीफ से मिले भारत के वाइस चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी, रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हुई बात। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का समुद्र में ट्रायल शुरू, जल्द नेवी में होगा शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, ड्रोन के जरिए लिया जायजा। देश में कोरोना के 42,797 नए केस, 522 संक्रमितों की मौत। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना केस पर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई, कहा कोरोना केस तो बढ़ रहे लेकिन इससे तीसरी लहर कहना जल्दबाजी होगी। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सीवेज के सैंपल की जांच कराएगी सरकार, समुदायों में संक्रमण का पता लगाने की होगी कोशिश। केरल में कोरोना के 22,414 नए केस, 24 घंटे में 108 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,436 नए केस, 24 घंटे में 195 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,442 नए केस, 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 1,769 नए केस, 24 घंटे में 30 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 67 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी में कोरोना के 61 नए संक्रमित, 24 घंटे में 2 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी तैयार, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और कंसंट्रेटर किए गए तैयार। दिल्ली सरकार ने कम किया आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, निजी अस्पताल में 500 और होम कलेक्शन के लिए 700 रुपए निर्धारित। बिहार में 7 से 25 अगस्त तक खुलेंगी सभी दुकानें, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा लागू। बिहार में पूरी क्षमता के साथ चलेंगे सार्वजनिक वाहन, प्रतिबंधों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल। बिहार में 7 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 10वीं के स्कूल, 16 अगस्त से खुलेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। केरल में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, 15 अगस्त और ओणम पर नहीं होगा लॉकडाउन। केरल में सिर्फ रविवार को रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 20 लोग। नेपाल में कोरोना के 4,107 नए केस, जून के एक बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए। भारत में ब्रिटेन जाने वालों को होटल में नहीं करना होगा 10 दिन क्वारंटीन, भारत को रेड लिस्ट से हटाया, रविवार से लागू होगा नया नियम। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एयरफोर्स ने दतिया में एक मंदिर की छत पर फंसे 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। दतिया में बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करने गए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, फंसे आर्मी ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। एयरफोर्स ने एमपी के शिवपुरी में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, नरवार और सुनारी इलाके में 37 लोगों को किया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया का किया एरियल सर्वे, बारिश की वजह से ग्वालियर दतिया रोड पर
ब्रिज टूटने का लिया जायजा। भिंड में लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, देर रात बाढ़ से घिरे गांव में 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर हुआ जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात। बंगाल में बाढ़ के हालात की जानकारी लेने के लिए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से बात की, हर संभव मदद का जताया भरोसा। बंगाल में बाढ़ के दौरान अब तक 23 लोगों की मौत। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बाढ़ के लिए झारखंड और बिहार के डैम से छोड़े गए पानी को बताया जिम्मेदार। राजस्थान के कोटा में एसडीआरएफ ने 40 लोगों को किया रेस्क्यू, रोडवेज से यात्रा के दौरान पानी में फंसे थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के डरबुक श्योक रोड को 72 घंटे के अंदर चालू किया, लैंडस्लाइड और फ्लड की वजह से टूट गई थी सड़क। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में चली गोलियां, गोलीबारी में 3 की मौत, 2 घायल। यूपी के शामली में 2 युवकों और 1 युवती की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रेम प्रसंग के आरोप में की गई मारपीट, पुलिस ने दर्ज की FIR। लखनऊ में कैब ड्राइवर पिटाई मामले में SHO समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, एक लड़की ने की थी पिटाई, ACP करेंगे मामले की जांच। नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में वांटेड बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, पैर में लगी गोली से घायल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के महाराजगंज में 686 करोड़ का प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद, SSB पुलिस और प्रशासन की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। बांग्लादेश के शिवगंज में नौका से जा रहे बारातियों पर गिरी बिजली, हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत, दूल्हा सहित 12 लोग घायल। चेक रिपब्लिक में आपस में भिड़ी 2 पैसेंजर ट्रेन, हादसे में 2 की मौत, कई दर्जनों घायल। टेंट ब्रिज टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का रहा दबदबा, इंग्लैंड को 183 रन पर समेटा, भारत ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 21 रन बनाए। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने चुनी बल्लेबाजी, कप्तान जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया, रूट ने 64 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज बुमराह की धारदार गेंदबाजी, 4 विकेट झटके, शमी ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट झटका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।